हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देखें टेक फ्यूल और मैं आपका दोस्त लकी। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप ऑल आर गुड, सब बढ़िया मजे में एंजॉय। और ऐसे ही आप लोग इस्तेमाल करते हैं, करो यार अच्छा लगता है। दोस्तों क्या आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढे जो कि 5 से 6 हज़ार के अंदर में आपका बजट ज़्यादा ना हो यहाँ पे, या घर में देने के लिए या खुद से ही कुछ ऐसा छोटा सा फ़ोन जो आप यूज़ करना चाहते हो इस टाइम में, क्योंकि अभी टाइम ऐसा चल रहा है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, घर में बच्चों को देने के लिए एक अच्छा फ़ोन जो 4G स्पेसिफिकेशन का आता हो, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी हो, सब कुछ में बेस्ट फ़ोन हो, महज आपका 5 से 6 हज़ार के बीच में यह फ़ोन आ जाएगा जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों आपको इनके बारे में कुछ जानकारी लेना हो, कुछ पूछना हो, कमेंट में मेरे को लिख के बता सकते हो। और दोस्तों मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे इसका रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों आप अगर चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि फ्यूचर में जब भी टैक्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपडेट रहे। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की जरूरत देखते हैं। कौन-कौन से बढ़िया 10 स्मार्टफोन है हमारे भी जो कि मैच 5 से 6 हज़ार के अंदर में आते हैं, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। अब दोस्तों बढ़ते अगले फोन की तरफ। अगला फोन है हमारा पैनासोनिक की तरफ से आला, ये हमारा पैनासोनिक 101। दोस्तों पैनासोनिक का यह स्मार्टफोन भी काफ़ी बढ़िया है, एक अच्छी स्पेसिफिकेशन आती है जहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं, क्योंकि 4G कनेक्टिविटी है, अच्छा खासा रैम है, बैटरी डिस्प्ले सब इसकी अच्छी है। दोस्तों इसकी कीमत की बात करें तकरीबन आपको 4300 से 4500 के बीच में मिल जाएगा। पैनासोनिक P101 स्मार्टफोन में 5.4 इंच की डिस्प्ले मिलेगी। ये स्मार्टफोन में आपको 2500 mAh की बैटरी मिलेगी। यहाँ पे आपको मीडियाटेक का 6749WAF प्रोसेसर में लगा हुआ है। और इसके अलावा फ़ोन में बैक पैनल पे 8 MP कैमरा और फ्रंट में 5 MP कैमरा मिलेगा। और डिवाइस 2 GB रैम 16 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है, जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे 2 GB की रैम मिल जाएगी, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं करेगी। 4G कनेक्टिविटी के साथ आती है, जियो चला सकते हैं और भी सारी 4G चीज़ें यहाँ पे चल सकती है। अच्छा खासा डिस्प्ले है, बैटरी बैकअप इसका काफ़ी अच्छा है, तो इसको ट्राई कर सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और साथ ही साथ सारे फ़ोनों का भी मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते अगले फ़ोन की तरफ। अगला हमारा सैमसंग की तरफ से आला, सैमसंग का सबसे बजट सेगमेंट में आने वाला फ़ोन यह सैमसंग M014, जो कि दोस्तों बजट रेंज में सैमसंग का सबसे बेस्ट फ़ोन रहा इस टाइम में। 2020 में भी लॉन्च हुआ था वैसे ये, तो काफ़ी बेस्ट फ़ोन रहा उस टाइम में भी। अभी भी ये इस रेंज का सैमसंग ने फ़ोन लॉन्च नहीं किया, अभी भी काफ़ी बढ़िया फ़ोन है सैमसंग का, अच्छी खासी मार्केट में इसकी पकड़ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में इसकी बहुत अच्छी पॉजिटिव रिव्यू है। दोस्तों कीमत की बात करें तकरीबन आपको 5000 रुपये से लेकर के 5500 के बीच में मिल जाएगा ये हमेशा, क्योंकि प्राइस इसके अप डाउन होते रहते हैं। सैमसंग M01 कोर स्मार्टफोन में मीडियाटेक का 6749 प्रोसेसर पर काम करती है और फ़ोन एंड्रॉयड गो प्लेटफॉर्म पर रन करती है। साथ ही इसमें पावर देने के लिए 3000 mAh की बैटरी दी गई है और फ़ोन ड्यूअल 4G सिम को सपोर्ट करती है। और फ़ोन की खासियत की बात करें तो इसमें आपको One UI के साथ एक डार्क मोड का भी एंट्री ग्रेड मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा रैम कम्बिनेशन मिल जाएगा, इसके साथ में एक अच्छी खासी कैमरा वगैरह इसके बैक में, कैमरा फ्रंट में भी कैमरा है, तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते अगले फ़ोन की तरफ। अगला हमारा जियोनी की तरफ आला, ये हमारा जियोनी मैक्स, यह अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ था। जियोनी मैक्स स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है, स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है, अच्छा खासा कम्बिनेशन है इसका रैम से लेके एवरीथिंग, डिस्प्ले बैटरी बैकअप सब कुछ इसमें बेस्ट है। दोस्तों जियोनी मैक्स की कीमत की बात करूँ तकरीबन आपको 5500 रुपये में मिल जाएगा। और जियोनी मैक्स स्मार्टफोन में 6.1 इंच की HD+ कवर डिस्प्ले मिलेगी, जिसका रेजोल्यूशन 720x1500 पिक्सल है। इस स्मार्टफोन में आपको 1.6 GHz की ऑक्टा कोर प्रोसेसर SPD की तरफ से आने वाला है, ST9863A प्रोसेसर लगा हुआ जो कि स्पेक्ट्रम की तरफ से आने वाला प्रोसेसर है। यहाँ पे आपको 2 GB रैम 32 GB की स्टोरेज दी गई, जिसे बढ़ाकर माइक्रो एसडी कार्ड जो 56 GB तक कर सकते हैं। इसमें एक खासियत है दोस्तों, यहाँ पे 2 GB तक रैम है, लेकिन स्टोरेज इसकी ज़्यादा करिए 32 GB की स्टोरेज है, तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा ऑप्शन मिल जाएगा। स्टोरेज ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा फोटोग्राफी कर पाएंगे, ज़्यादा वीडियो ले पाएंगे, इसके अंदर स्टोरेज लगा सकते हैं, लेकिन आप माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर भी बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल 4G है इसके अंदर, तो ये भी काफ़ी अच्छा, बैटरी बैकअप अच्छी है, तो ओवरऑल फोन काफ़ी अच्छा है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते अगले स्मार्टफोन की तरफ। अगला हमारा लावा की तरफ से आला, ये हमारा लावा Z61। जो दोस्तों लावा का Z61 फोन काफ़ी पॉपुलर रहा कई टाइमों से और बहुत पॉपुलर है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मार्केट में, बजट फोनों में काफ़ी अच्छा है, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। दोस्तों कीमत की बात को तकरीबन 5700 से लेकर 4500-5500 तक में मिल जाएगा। और यहाँ पे Z61 प्रो में आपको ड्यूअल सिम सपोर्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 5.4 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलेगी, जो कि एस्पेक्ट रेशियो 80.9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में ट्रेडिशनल बेजल्स का उपयोग किया गया है और यहाँ पे आपको 1.6 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा। वैसे दोस्तों लावा का Z61 प्रो काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, कैमरा वगैरह भी इसका अच्छा है, 4G ड्यूअल 4G के साथ आता है यहाँ पे, जो कि 2 4G सिम एक साथ चला सकते हो, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसको भी ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते अगले फ़ोन की तरफ। अगला हमारा आईटेल की तरफ से आला, ये हमारा आईटेल A48, जो कि दोस्तों आईटेल की तरफ से आला काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, बजट सेगमेंट में आईटेल के फ़ोन बहुत पॉपुलर है इंडिया के अंदर। अगर ऑफलाइन मार्केट में देखी जाए सबसे ज़्यादा बजट रेंज में 5 से 6 हज़ार के बीच में अगर फोन सेल होता है,
जो कि मेड इन इंडिया कहलाता है वो है आईटेल, जो कि काफी बढ़िया दमदार स्पेसिफिकेशन है, मजबूत फोन है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती इन फोनों में। दोस्तों कीमत की बात को तकरीबन 6000 रुपए में मिल जाएगा। आईटेल A48 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.1 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि वाटर ड्रॉप नॉइज स्टाइल के साथ आता है। यह स्मार्टफोन 1.4 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर पर काम करती है। इसमें फोटोग्राफी के लिए 5 MP कैमरा, फ्रंट में ही 5 MP कैमरा दिया गया। बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी है, रैम भी काफ़ी अच्छा है इसका, स्टोरेज 16 GB तक मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी है। फ्रंट में 5 MP कैमरा, बैक में 5 MP कैमरा जो कि काफ़ी अच्छा है, तो इसको भी ट्राई कर सकते हो। वैसे इसमें वीडियो कॉल वगैरह सारे सपोर्ट करती है 4G को साथ, तो यह फोन भी काफ़ी अच्छा है बजट रेंज में, तो इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों यह थी मेरी नज़र मारने वाला बेस्ट फोन जो कि 5 से 6 हज़ार के बीच में आप इसे ले सकते हो। तो ये फोन कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपकी नज़र में कोई और ऐसा फोन हो जो 5 से 6 हज़ार के बीच में हो, मैंने इस वीडियो में ना डाला हो, वो भी कमेंट में बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर सकूं। आप अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि फ्यूचर में जब भी टेक रिलेटेड वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।